रायगढ़ यहाँ 31 मार्च को तिथि अनुसार शिव जयंती मनाने के लिए, साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करने के लिए श्री शिवराज अभिषेक सोहरा समिति नागपुर और धारा समूह की ओर से नागपुर में शिव तीर्थार्थ से रायगढ़ तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली को आमदार मोहन मते इन्होंने भगवा झंडा दिखाकर रवाना किया। नागपुर के महल यहाँ के शिवाजी महाराज के पुतले पर पुष्पहार अर्पित करने के बाद साइकिल रैली की शुरुआत की गई। इस साइकिल रैली में 6 लड़कियां और 4 लड़कों का समावेश है। जहां जहां वो रुकेंगे वहां वहां वे पर्यावरण, स्त्री शक्ति जैसे अनेक विषयों पर चर्चा की जाएगी। लगातार 10 दिनों तक साइकिल चलाने के बाद ये मावली 30 मार्च को रायगढ़ पहुंचेंगे। इस वक्त आमदार मोहन मते इन्होंने साइकिल रैली में भाग लेने वालों को उपहार देकर बधाई दी। महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्तानं हे रायगडला जात आहेत। खरं अर्थानं आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत, त्यांची तिथीने जी जन्मतारीख आहे ते लक्ष साधून हे युवक चालले आहे रायगडला। खऱ्या अर्थानं छत्रपती शिवाजी महाराज या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असल्यामुळं त्यांची खरी जयंती आपण तिथीने करायला पाहिजे अशी आपल्या सगळ्यांची भावना असते। त्याच्यामुळं हे सगळं प्रचार प्रसारच्या माध्यमातून आपण जसं प्रभू श्रीरामाची जयंती किंवा कृष्ण जयंती जन्माष्टमी याबद्दल आपण तिथीने मानतो, त्याच पद्धतीनं सर्व महाराष्ट्रातल्या लोकांनी, महाराष्ट्रातल्या किंवा इतर देशातील लोकांनी शिवजयंती ही तिथीने करावी अशी आमची आग्रही भूमिका आहे। त्यामुळं आमची तरुण मंडळी सायकलनी रायगडला जात आहे। किती